अच्छा ये बताइए, पाई ऑफ टू द पावर एन है कोई सीक्वेंस, तो ये कन्वर्जेंट है या नहीं? नो सर, कन्वर्जेंट नहीं है क्यों? सर, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा करता हूं, -1 की पावर एन में कुछ ऐसा जोड़ लेते हैं, जैसे आयोटा टाइम्स एन अपॉन एन प्लस वन कर लेते हैं, ये सीक्वेंस है। तो इसमें क्या उम्मीद है आपको? बल्कि अगर मैं आपसे कहूं इसके लिमिट पॉइंट क्या है, तो पहले ये बताइए मैं आप में से कोई इस पॉइंट है जिसको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर नहीं है? किसी को नहीं क्लियर है तो बताया जाएगा, अगर क्लियर है तो फिर बता दो आप लोग लिमिट पॉइंट। -1 और 1 सर, 1 प्लस आयोटा एंड -1 प्लस आयोटा। कैसे? सर अगर इसे ब्रेक कर लेते हैं, एन अगर इवन है एक बार और एक बार एन अगर ऑड है। n 2m है, इवन डिजिट है, तो -1 की पावर 2m, तुरंत कॉमन ले लीजिए। और अगर m इंफिनिटी हो जाएगा धीरे धीरे, तो ये 1 प्लस i पे कन्वर्स करेगा सीक्वेंस। और अगर n को आप ऑड ले लें सपोज, तो ये -1 आएगा। तो 2m+1 कॉमन ले लेते हैं, बस। तो आप देखेंगे m इंफिनिटी जाएगा तो ये -1 प्लस आयोटा पे कन्वर्स करेगा, तो ये दोनों लिमिट पॉइंट्स हैं इस सीक्वेंस के। लिमिट पॉइंट 8 से ज्यादा हो जाए तो फिर लिमिट कन्वर्जेंस का कोई मतलब नहीं, मतलब ना तो ये इन दोनों में से कहीं पर भी कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। तो लिमिट पॉइंट इसका मतलब आपने किसी ने कहा नहीं तो क्लियर ही होगा, तो ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स में अगर लिमिट पॉइंट की बात आती है तो आप कैसे निकालेंगे। ये क्लियर है या नहीं? अच्छा, क्लियर है सर। एट सीक्वेंस में ऐसे ले लेता हूँ, जेड एन -1 प्लस आयोटा अपॉन एन, और दूसरा -आयोटा अपॉन एन। ये कहाँ को कन्वर्स करेगा? -1 ये दोनों एक ही पॉइंट पे कन्वर्स करेंगे। अच्छा, आर्गुमेंट जेड एन कहाँ कन्वर्स करेगा? कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे?
दोनों जीरो तो जीरो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है बेटे। आप पहले जब जेडन ले रहे हैं तो वो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखिए तो ज्योमेट्रिकली ये माइनस वन क्रोमा वन बाई एन ऐसे पॉइंट्स कहाँ होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में से पाई पे कन्वर्जेंट करेगा और धीरे धीरे एन इंफिनिटी हो जाएगा तो वन अपॉन एन जीरो तो ये रियल एक्सिस पे मिलेगा तो इस ट्रांग को कन्वर्स करेगा। अब जेड एन डैश को देखिए तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं माइनस वन अपॉन एन ये सारे पॉइंट्स कहाँ हैं? थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट और जब एन इंफिनिटी को जा रहा है तो ये भी रियल एक्सिस को ही जा रहा है तो मैंने आपको बताया भी था ये ट्रांग कन्वर्स करता। तो ये दो सिक्वेंसेज हैं जो एक ही पॉइंट पे कन्वर्स करते हैं लेकिन इनके आर्ग्यूमेंट्स के जो सिक्वेंस हैं वो डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्स करते हैं। ये वही चीज बताई है जो पहले के आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप करें तो नेगेटिव रियल लाइन पर डिस्टेंटेनियस मानते हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है? यस सर। अच्छा क्रॉसिस सीक्वेंस जिसको रहते हैं ये तो आता ही होगा सर। सर वहाँ एक फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन रिटन देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एम। कोई सीक्वेंस ले लीजिए। ठीक है स्क्रॉल सीक्वेंस क्रॉसिस if for every epsilon zero there exists some n n epsilon by different rate such that इसका मतलब है टर्म्स के बीच का जो गैप है वो आर्बिट्रेरिली स्मॉल होता जाएगा। अगर रियल सेंस में सोचा जाए तो कोई प्रोसेस सीक्वेंस है तो टर्म्स के बीच का गैप कम होता जाएगा। आप जितना छोटा एप्सिलॉन ले लें एक दौर के बाद उसके अंदर जितनी मर्जी टर्म्स रहेंगे आप उतनी आ जाएंगी। ब्रॉड से समझिए जितना छोटा एप्सिलॉन है तो सक्सेसिव टर्म्स नहीं कह रहा हूं। सक्सेसिव का मतलब होता है अगली टर्म लगातार दो टर्म के बीच का गैप जितना मर्जी कम हो ये तो है ही। ये भी आप कह सकते हैं कि पहली टर्म या एक दौर के बाद nth टर्म और mth टर्म अब n और m तो बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं उनके बीच का गैप भी किसी भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। एक आपको नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा कि उसके बाद कितनी दूर दूर की दो टर्म ले लो उनके बीच का डिफरेंस भी किसी भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये केवल सक्सेसिव के लिए ही नहीं है ये मैं सोचता हूँ। अच्छा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इन सी जेडन इज कन्वर्जन इम्प्लाइज जेडन इज कॉम्प्लीट मेट्रिक स्पेस है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन भी रियल भी तो इसमें हर एक प्रोसेस सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं
हर एक कन्वर्ज एंड क्रॉस ही है, ये तो हमेशा ही सच है, कन्वर्स भी सही है। ठीक है, तो फिर अब ये कल की तरह ही आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर सवाल मैं आपको दे दूं तो आप इसको ट्राई करिएगा। वन साइडेड कन्वर्जेंट है तो क्रॉस ही होगा, कन्वर्जेंट है जेड एन से दो सीक्वेंस बनेंगे, एक एक्स एन और एक वाई एन, आपको दोनों कन्वर्जेंट दिखाने पड़ेंगे, दोनों क्रॉस ही दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, नल सीक्वेंस जिसको कहते हैं, सर ये सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग ऑन जीरो। कोई सीक्वेंस अगर जीरो पे कन्वर्ज करता है तो उसका नाम ही नल सीक्वेंस है। तो अगर कभी जेड एन कन्वर्जेज तो जेड नॉट है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जेड एन माइनस जेड नॉट इज ए नल सीक्वेंस? यस सर। ठीक है, ये हो गया आपके पास सवाल छोटा छोटा। तो ये करने हैं आपने सब, अब आपकी मेहनत है आप कितना कर पाते हैं। एक या दो बच्चे ट्राई कर पा रहे हैं बस, गलत सही जो भी हो करिए जरूर। अच्छा, अगर मॉड ऑफ सेट लेस देन वन हो देन दिस इज अ नल सीक्वेंस, ये सही बात है? यस सर, सो वन अपॉन ये सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए बच्चों। एक सवाल ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये लिखा हुआ ये है। अब आप जितना ईमानदारी से करते हैं वो आपको सोचना। ठीक है, मैं सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा हूँ। सीरीज, सीरीज जिसको कहते हैं, एक सीक्वेंस है मेरे पास जेड एन, ये शॉर्टकट है, पूरा लिखना है तो सेट थ्योरी के हिसाब से ऐसा लिखना। अब एक आप ऐसा करिए, एस वन तो यही ले लीजिए, एस टू क्या ले लें? जेड वन प्लस जेड टू। तो अब आपके पास एक नया सीक्वेंस आ गया, एस वन एस टू एस थ्री और एस एन, इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ये पार्शियल सम्स का सीक्वेंस है। हमने सीरीज की प्रॉब्लम भी सीक्वेंस में कन्वर्ट की, तो अगर ये कन्वर्स है तो ये जो सीरीज बनी है चिन्ह से बनी थी कन्वर्स तो सेम लिमिट, तो ये उसी लिमिट पे कन्वर्स करेगी। ऐसा पढ़ा था हमने रियल में? यस सर। तो सीक्वेंस पढ़ा हमने, फिर पार्शियल सम्स का ले लिया और पार्शियल सम से अब तय करो, मतलब फाइनली हमने सारी चीजें सीक्वेंस पे छोड़ दी। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को
कई किताबों में समय बिल भी चेहते हैं, क्यों कहते होंगे ऐसा? सर जिस सीरीज का सम हो सकता है और वो उसी का हो सकता है जो कन्वर्जेंट सीरीज हो, तभी आप जोड़ सकते हो, वरना तो डाइवर्जेंट रहेगी और सिलेक्टिव। हम उनको ज्यादा फोकस करते ही नहीं, उनके बारे में हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं, कई सारे प्रेडिक्शन उनमें गलत हो जाते हैं। तो जो हमारी पढ़ाई है वो समयबल सीरीज पर है, मतलब कन्वर्जेंट सीरीज पर है। तो फिर आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, श्रीमान जेड एन कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सीक्वेंस एस एन इज ए प्रोसेस सीक्वेंस। ये प्रोसेस सीक्वेंस है तो जो इनसे पार्शियल सम होगा, एस एन क्या है जो अभी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपको करना है। अच्छा अगर मैं रहूं आपसे जी आप इस सीरीज को जोड़ दो, तो कैसे जोड़ सकते हैं, कोई तरीका है आपके पास? पार्शियल सम कर देंगे सर, इसका इसको तोड़ देंगे सर पार्शियल सम में, वन अपॉन क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जनरल टर्म को? यस सर। तो फिर एस एन क्या हो जाएगा? एस वन कितना होगा बच्चों? ए वन से सर वन पॉइंट टू माइनस वन। तो देखिए माइनस हाफ प्लस हाफ से कैंसिल, माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री में जो इससे पहले वाला होगा इससे कैंसिल, क्या बचेगा? वन माइनस वन अपन तो वन प्लस वन अपन। अब ये इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी में कहाँ को कन्वर्ट करेगा? वन। तो मेरे ख्याल से सभी लोग क्लियर होंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्स करती है बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, ऐसा पढ़ा है? यस सर। यस ये चैप्टर आपने पढ़ा है इसलिए मैं प्रूफ नहीं चला रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा ट्राई करें और थोड़ा सा स्पीड बढ़े तो एक दिन में खत्म हो, वरना सीक्वेंस सीरीज पढ़ाने का मतलब दो हफ्ते रियल के हिसाब से। थ्योरम है जेडन सीरीज नॉन जीरो टर्म्स, सस्ते लिमिट सुप्रीमम ऑफ एल एन टू एल
limit infimum of ln to small l. और capital L ln का मतलब है mod of this. दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो जेड एन प्लस वन अपॉन जेड एन को हम कैपिटल एल एन कह रहे हैं. अब उसी में लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर लगा दी और कैपिटल एल स्मॉल है. देन वी हैव If L greater than 1, series converges absolutely. If L greater than 1, series diverges. Third, if इस तरह का रिलेशन है, एक वन से बड़ा एक वन से छोटा है तो फिर बड़ी गड़बड़ है, बराबरी का तो चांस ही नहीं है. तो नो कंक्लूजन कैन बी मेड. तो ये आपके पास तीन स्टेटमेंट. हमने रेशियो टेस्ट पढ़ा है ना? यस सर. यस, बल्कि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो हमारा है उसमें प्रूफ भी कराया था मैंने, उसे देखिएगा एक बार. ये वही रिलेशन है, वन से बड़ा वन से छोटा. एब्सोल्यूट इसलिए आया क्योंकि आप मॉड ले रहे हैं. रियल में आपको मॉड लेने की जरूरत होती नहीं थी, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स की वजह से लिया आपने, बाकी पूरा वही रिजल्ट. अच्छा, क्या मैंने आपको ये बताया था कि क्रॉसी रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट से ज्यादा पावरफुल है, ऐसा पढ़ाया होगा? यस यस सर. यस, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जी क्रॉसी रूट टेस्ट तो लागू हो जाए लेकिन वहां पर रेशियो टेस्ट फेल हो जाए. मेरे ख्याल से मैंने बोला था. तो नेक्स्ट आपके पास क्रॉसी रूट टेस्ट है, याद है क्या होता था? एन की पावर 1/n इक्वल टू, यहाँ थोड़ा मॉड वो वहां तो ठीक था रियल में. अब जैसे मेरे पास ये सीरीज है सिग्मा जेड एन, तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ मॉड जेड एन की पावर 1/n इक्वल टू एल. पहले ये निकाल लिया मैंने, उसके बाद ये है कि दिस इज लेस देन 1, सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. तो जो मॉड ले रखा आपने इसलिए एब्सोल्युटली, बाकी लेस देन 1 में होता कन्वर्जेंट ही था अगर याद हो. मैंने कहा भी होगा ये एकमात्र नॉर्मली है जो उसमें लेस देन 1 में हमारे कन्वर्जेंट वाले आ जाते हैं. अब आप ट्रेंड ऊपर भी तो आया है, तो ऊपर हमने ए एन प्लस जेड एन प्लस वन अपॉन जेड एन लिया है तब आया है. अगर जेड एन अपॉन जेड एन प्लस वन ऐसे करते तो रिजल्ट पलट जाता. बाकी सब मैं वही लिख रहा हूँ बच्चों. तो इसका मतलब डाइवर्जेंस, और एल इक्वल टू वन है तो टेस्ट फेल्स. नो to determine the convergence. तब आप कुछ नहीं कह सकते. यही था वो रिजल्ट.
यस सर यस सर तो ये सब आपको बेसिक टेस्ट है जो बता रहे हैं कि ट्रेसेड क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा ये क्या नहीं बता रहे हैं, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बता पा रहे हैं अभी कि आखिर किस जोन में कोई सीरीज कन्वर्ज करेगी, वो नहीं बताया इन्होंने अभी, केवल जो बताया वो टेस्ट है। तो मैं पहला लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ, 8:05 पे दोबारा मिलते हैं फिर, तब आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ रिकॉल हो पाई चीजें? यस सर यस सर। अच्छा मैं चल रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, मीटिंग अभी रहेगी। हाँ एक मिनट।